किसान आंदोलन पर सरकार की 3 दिसंबर की बातचीत के प्रस्ताव का भी कोई असर नहीं हो रहा। बोरिया बिस्तर, डेरा डंडा, चूल्हा सामान सब लेकर किसान आंदोलन में आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हर कदम पर टकराव है, घमासान है और किसान तैयार है। दिल्ली चलो आंदोलन अब दिल्ली पहुंचने को है। इस वक्त हम लोग टीकरी बॉर्डर पे मौजूद है एक ट्रैक्टर के अंदर, जिसमें किसान पंजाब के मानसा शहर से दिल्ली तक पहुंचे हैं। एक गांव से जब लोग निकलते हैं तो इस तरीके से ट्रैक्टर जोड़ लेते हैं, आसपास के सभी लोग हैं और वो पूरा जो सामान है गृहस्थी का, जिससे ये लोग कहीं भी जब रुकते हैं तो खाना बना सकें, गद्दे हैं पूरे ट्रैक्टर में लगे हुए अच्छे से और 2 ट्रॉलियाँ जुड़ी हुई हैं। सारा सामान लेकर आए थे जी, सभी किसान पंजाब से भी आए, हरियाणा से, हम हरियाणा से हैं जी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हमारे भी 200 ट्रैक्टर आए जी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। कितने आप लोगों ने बैरिकेड तोड़े होंगे यहाँ तक आने में? कम से 9 तोड़ते। कृषि कानून और किसान का ये घमासान आंसू गैस पानी की बौछारें झेलता हुआ सियासत के उस बवंडर से भी गुजर रहा है, जिसमें सरकार का दावा है कि कृषि बिल किसान के हित में है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें किसानों को भड़का रही, वहीं विपक्ष सरकार को किसान विरोधी करार दे रहा है। कंट्रोवर्सी तो समस्या तो किसान की है। अगर खट्टर साहब समझते हैं कि भाई किसानों की समस्या, तो ये प्रधानमंत्री जी से बात करें, ये गृह मंत्री से बात करें, इसका समस्या का समाधान कराएं। ये नहीं कि भाई इनके ऊपर जो आपका बुछारा दे। किसान तो, किसान को तो आंखों में तो पहले ही आंसू हैं, फिर अश्रू गैस छोड़ने का उनको क्या मतलब, तो पहले ही आंसू में पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर के किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। इधर दिल्ली कूच करने वाले किसानों पर सबसे मुखर होकर बोल रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। बीते दिनों उन्होंने ट्वीट करके पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को सीधा कहा कि अगर किसानों को MSP पर कोई दिक्कत हुई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, किसानों को भड़काना बंद करिए। कि जो किसानों को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार का भ्रम फैलाया है कि इसके 3 बिलों के आने के बाद हमारी मंडियां वो समाप्त हो जाएंगी, हमारा MSP वो समाप्त हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि हमने इंसाइट किया लोगों को, ये उनका गलत बयान है। हमने कभी नहीं इंसाइट किया। अब हरियाणा में देखो, हरियाणा के किसान सब एजिटेट कर रहे हैं, उनको भी मैं इंसाइट कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट किसानों का नेचुरल रिएक्शन है। सियासी बवंडर के बीच बवाल जारी है। इधर दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने की इजाजत दी तो है, लेकिन शर्त है कि निरंकारी ग्राउंड में जाकर प्रदर्शन करना होगा। टकराव जारी है। आज तक ब्यूरो।